पहला T20 मैच जो कि खेला जाएगा वेस्टइंडीज वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच। आपको इस स्टूडियो में दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड और बहुत सारे रिकॉर्ड के साथ साथ दोनों टीमों का टीम कंपैरिजन और टीम एनालिसिस करने के बाद आपको इस स्टूडियो में पर्सनल मैच प्रेडिक्शन बताएगा। मुझे क्या लगता है इन दोनों टीम कौन सी टीम जिस मैच को जीत सकती है, मैच को विन कर सकती है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा जो है जरूरी होने वाली, वह देख लेती है तो आपको इस मैच के बारे में A to Z सभी जगह चल जाए, सभी रिकॉर्ड आपको इस स्टूडियो में बता दिए जाएंगे। तो वीडियो को जरूर से देखो। उससे पहले भी तक आपने जो है इस वीडियो को एक लाइक नहीं क्या कर, वीडियो को लाइक कर दे अभी, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जो है करें। चलिए आज की हमारी इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के बारे में, क्योंकि आपको पता ही हो किसी मैच जितने हेड टू हेड रिकॉर्ड कितना ज़्यादा मायने रखता है। अगर इन दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करें तो इन दोनों टीमों के बीच जब तुम्हें लास्ट के 5 T20 मैचेस में जब तुम्हें आपस में भिड़ी है तो 5 में से 4 बार जो न्यूजीलैंड की टीम जो वेस्टइंडीज की टीम से जीती है, वो 1 बार जो वेस्टइंडीज की टीम जो है न्यूजीलैंड की टीम से जीती है। लास्ट मैच भी जब ये दो टीम आपस में भिड़े T20 मैच में ही, ठीक है, 29 नवंबर 2020 को जिस मैच में भी जो न्यूजीलैंड की टीम जो है पहले बैटिंग करते हुए वेस्टइंडीज की टीम से जीत गई थी 72 रनों से, ठीक है। वहीं अगर बात करें दोनों टीमों के रिसेंट फॉर्म की तो वेस्टइंडीज की टीम की रिसेंट फॉर्म की बात करें, लास्ट के 5 मैचों में जो है 4 मैचेस हारी है, 1 मैच ओनली जीती है वेस्टइंडीज की टीम, T20 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। वहीं अगर बात करें न्यूजीलैंड की टीम की तो लास्ट के 5 मैचों में से जो है 5 के 5 मैच जो न्यूजीलैंड की टीम से T20 के अपने लास्ट के जीत कर आ रही है। वेस्टइंडीज की बात करें वेस्टइंडीज की टीम जो लास्ट के 5 मैचों में जो 4 मैच हारी है ना, कौन कौन सी टीम से हारी है आपको बता दूँ, 3 मैच तो जो है 4 मैच जो है बैक टू बैक हारी है, किससे, इंडिया की टीम से हारी है। 1 मैच जीती भी है तो इंडिया की टीम से ही जीती है, वही 4 मैच इंडिया की टीम से हारी है वेस्टइंडीज की टीम, वही 1 मैच जो है जीती है, ठीक है, लास्ट के 5 मैचों में से। वही बात करें न्यूजीलैंड की टीम तो न्यूजीलैंड की टीम लास्ट के 5 मैच जो जीती है, एक भी मैच नहीं हारी, लास्ट के 5 मैच जीती है ना, किस किस टीम से जीती है, 2 मैच तो जीती है नीदरलैंड की टीम से, 2 मैच जीती है स्कॉटलैंड की टीम से और 1 मैच जीती है किससे, आयरलैंड की टीम से। लास्ट के 5 मैच जो है कमजोर कमजोर टीमों के साथ खेली है T20 के, प्लस जीती भी है। अगर बात करें वेस्टइंडीज की तो लास्ट के 5 मैच वेस्टइंडीज की टीम जो इंडिया जैसी मजबूत टीम के साथ खेली है फिर भी 1 मैच जीती है और 4 मैचेस हारी है। तो यहाँ पे आप वेस्टइंडीज को भी जो है कम नहीं आंक सकते हैं, ठीक है, रिकॉर्ड देखने के बावजूद भी, भले ही यहाँ पे जो वेस्ट न्यूजीलैंड की टीम 5 में लास्ट मैच जीत के आ रही है बट कमजोर कमजोर टीमें से जीती है, आप इस बात का भी जो है ध्यान रखिएगा। अगर बात करें दोनों टीमों के टीम कंपैरिजन की तो वेस्टइंडीज की बात करें लास्ट के 10 मैचेस जो वेस्टइंडीज की T20 सभी टीमों के साथ जो खेली है ना वेस्टइंडीज की टीम, तो 30% का वेस्टइंडीज की टीम का विनिंग परसेंटेज रहा है। एवरेज स्कोर है 152 का, हाईएस्ट स्कोर है 193 का, वहीं लोएस्ट स्कोर है 100 रन का। वहीं अगर बात करें न्यूजीलैंड की टीम तो लास्ट के 10 मैचेस जो सभी टीमों के साथ खेली है तो 70% न्यूजीलैंड की टीम का विनिंग परसेंटेज रहा है। एवरेज स्कोर है 173 का, हाईएस्ट स्कोर है 254 का, वहीं लोएस्ट स्कोर है 111 रन का, ठीक है। वहीं अगर बात करें दोनों टीमों का टीम एनालिसिस जो कि वीडियो को बहुत ज़्यादा ही जो है इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बिल्कुल ही मिस मत किया कीजिएगा। अगर दोनों टीमों के यहाँ पर टीम एनालिसिस की बात करें तो वेस्टइंडीज की टीम हो या हो न्यूजीलैंड की टीम, दोनों टीमों का ओपनिंग साझेदारी जो है अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, ठीक है। मिड ऑर्डर की बात करें मिड ऑर्डर में जो है वेस्टइंडीज की थोड़ा कमजोर दिखाई दे रही है, वहीं यहाँ पे जो है न्यूजीलैंड की थोड़ा ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। बैटिंग डेप्थ की बात करें तो बैटिंग डेप्थ में यहाँ पे वेस्टइंडीज की टीम थोड़ा ज़्यादा आगे है। वहीं अगर बात करें पेस बॉलिंग में तो पेस बॉलिंग में दोनों टीमें स्ट्रॉन्ग इक्वल है। स्पिन बॉलिंग में यहाँ पे जो है न्यूजीलैंड की टीम थोड़ा ज़्यादा आगे दिखाई देती है वेस्टइंडीज की टीम से। वहीं अगर बात करें इस सीरीज की तो इस सीरीज के अंदर दोनों टीमों न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के बीच टोटल जो है कितने 3 T20 मुकाबले जो खेले जाएंगे, जिसमें फर्स्ट मुकाबला खेला जाने वाला है। इस मैच को जीतने दोनों टीमें जीतने लगाने वाली, फर्स्ट मैच है, दोनों टीमें जीत कर जो अपना 1-1 अंक जो प्राप्त करना चाहेगी। अब बात कर लेते मेरे पर्सनल मैच प्रेडिक्शन के बारे में, लेकिन उससे पहले आप जरा देख लीजिए कि अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया है कि नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो फटाफट जाकर ज्वाइन कर ले, क्योंकि आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री में जो है मैच का प्रेडिक्शन दे दिया जाता है, ठीक है। आपको फ्री मैच का प्रेडिक्शन चाहिए टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर ले, ठीक है। आपको पता है इस मैच के बाद बहुत सारे मैचेस आने हैं, सभी मैच का प्रेडिक्शन बिल्कुल फ्री में सारे मैचेस जो टेलीग्राम चैनल पे कवर किया जाता है, चाहे T20 के मैचेस हो, चाहे कोई भी मैच हो, ठीक है, इंटरनेशनल मैच हो, कोई लीग मैच हो, सभी मैच टेलीग्राम चैनल पे कवर किया जाता है। टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर ले। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे मेरे पर्सनल मैच प्रेडिक्शन के बारे में। अगर बात करें पर्सनल मैच प्रेडिक्शन का, दोनों टीमों का टीम कंपैरिजन टीम एनालिसिस करने के बाद जहां तक मुझे लगता है कौन आपको न्यूजीलैंड की टीम जो है इस मैच को जीतती हुई दिखाई दे सकती है, बट कभी कभी ऐसा होता है ना मैच शुरू होने से पहले मैच पर कोई बड़ी खबर है जिसका मैच का प्रेडिक्शन चेंज भी हो सकता है, इसलिए मैं आपको बोला उसमें का फाइनल अपडेट, मेरा फाइनल प्रेडिक्शन जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टॉप पर दे दिया गया। टेलीग्राम जाने से पहले अभी तक आपने जो इस वीडियो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कर ले।